Good morning students, I am Mayank Tiwari. Today we will solve test number 13 of the General Agriculture series. 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लीजिए और उसके बाद अपने करेक्ट रिस्पॉन्सेज लास्ट में इवेलुएट कीजिए और अपना स्कोर प्लीज लिखिए कहीं पे. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय. आपको बताना है कि इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पूछा गया है. ऑप्शन ए अल्टमान, ऑप्शन बी बंडा, ऑप्शन सी कॉलिकर, ऑप्शन डी नन. अब स्टूडेंट इसमें सारे ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है. ये जो लाइंस मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट याद रखनी है. माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय अल्टमान एंड ही कॉल्ड इट बायोप्लास्ट. ठीक है, जो अल्टमान था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और उसने उसको बायोप्लास्ट कहा था और इट एंड ही सजेस्टेड देयर एसोसिएशन विद रेस्पिरेशन. उसके बाद द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय बंडा. जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया था वो बंडा ने दिया था एंड इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर. ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, बंडा कॉलिकर अल्टमान में बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज को ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ईजी है. सेम कोडॉन में स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड, दिस मीन्स जेनेटिक कोड इज. ये तो आपको क्लास 12 का याद आ रहा होगा. एम्बिगुअस, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग, ट्रिपलेट. मतलब वो कंडीशन जिसमें एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है, तो उस जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं, आपको बताना है. स्टूडेंट ये देखिए, जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस मीन्स सेम कोडॉन में स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड. जैसे यू 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 जो है ये आपका फिनाइलएलनिन के लिए कोड करता है, लेकिन जब स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है तो ये आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन और सेराइन के लिए भी कोड कर सकता है. और जेनेटिक कोड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जैसे एयूजी जो होता है स्टार्टिंग कोडॉन होता है या चेन इनिशिएशन कोडॉन होता है, यूएए, यूएजी और यूजीए ये नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं इनको. उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना, कोडॉन ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट एंड डबलेट कोडॉन आर नॉट इनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड. उसके बाद डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, इन ट्रिपलेट कोडॉन फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन वन वर्ड कैन बी यूज, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट कोडॉन. उसके बाद स्टूडेंट देर इज नॉन ओवरलैपिंग मीन्स अ बेस इन एमआरएनए इज नॉट यूज फॉर टू डिफरेंट कोडॉन. ध्यान रखिएगा कि जो कोडॉन होता है वो नॉन ओवरलैपिंग भी होता है और उसका मतलब. तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना कि एक सिंगल बेस एमआरएनए में दो डिफरेंट कोडॉन्स के लिए यूज नहीं होता. उसके बाद स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रख लेना कि वॉटसन और क्रिक ने 1953 में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रपोज किया था. ईयर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं. अभी स्टूडेंट एक और ईयर वाला क्वेश्चन, मेंडल पब्लिश्ड हिज रिसर्च पेपर एंटाइटल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन द ईयर. आपको बताना है कि जो मेंडल ने अपनी रिसर्च पब्लिश करी थी ये कौन सी ईयर में पब्लिश की थी. ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1954. अभी स्टूडेंट इसमें अपने आप में हर एक ईयर इंपॉर्टेंट है. यह ध्यान रखिएगा कि 1866 में इसने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून एक मैगजीन है इसमें अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करी थी. और ये ध्यान रखिएगा कि 1900 जो मैंने ऑप्शन दिया था, 1900 में मेंडल के लॉ की डिस्कवरी हुई थी, रीडिस्कवरी. डीवराइस, कॉरेंस और टेस्मार्क ने 1900 में मेंडल के लॉ की डिस्कवरी करी थी, वो ध्यान रखिएगा. उसके बाद स्टूडेंट ये मेंडल के 7 कैरेक्टर्स तो टिप्स पे होना ही चाहिए. 3 कैरेक्टर्स उसने लिए थे, सीड बेस, पॉड बेस, स्टेम बेस. सीड में सीड शेप, सीड कॉटिलीडॉन कलर, सीड कोट कलर. उसके बाद पॉड में पॉड शेप, पॉड कलर. और उसके बाद स्टेप में पोजिशन ऑफ पॉड और प्लांट हाइट. तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं. अभी स्टूडेंट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं. प्रोजनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्स इज नोन एज. ठीक है, जब दो फैकल्टेटिव एपोमिक्स का क्रॉस कराते हैं और जो प्रोजनी मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है. ऑप्शन ए वाइब्रेड, ऑप्शन बी सूडोगैमी, ऑप्शन सी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन डी एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी. अभी स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो वाइब्रेट होता है इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो वाइब्रेट था. उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन था पार्थेनोजेनेसिस. एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो सेक विदाउट पॉलिनेशन. अगर एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाए बिना पॉलिनेशन के तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं. इसमें दो टाइप के पार्थेनोजेनेसिस है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना. आपका गोनियल पार्थेनोजेनेसिस और सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस. गोनियल पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो एग सेल से डेवलप होता है और सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस में आपका कुछ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स से डेवलप होता है लेकिन आपका एग सेल से डेवलप नहीं होता. ठीक है, और चाहे पार्थेनोजेनेसिस कहें या फिर सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहें, बात एक ही है. उसके बाद स्टूडेंट एक टर्म और आता है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस आप ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो सप्रेस हो जाता है या फिर एबसेंट हो जाता है.
और उसके बाद स्टूडेंट एपोमिक्सिस दो टाइप के होते हैं, एक एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी और एक गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो होता है इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूसिलस इंट्यूगमेंट चैलेजा, यहाँ से अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाए तो उसको एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है एम्ब्रियो सेक का, जैसे न्यूसिलियस सीडलिंग इन मैंगो सिट्रस ऑर्किड्स, ये आपके एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल है। उसके बाद गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एग सेल्स और अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट एपोस्पोरी भी डेवलप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक डेवलप होते हैं कुछ वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से और माइटोटिक डिविजन्स और विदाउट मियोसिस इसमें होता है। देखो कुछ वेजिटेटिव सेल हो गए ओव्यूल के जिससे अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक प्रोड्यूस होंगे और इसमें सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो ठीक है ध्यान रखना, मैलस क्रैपिस रेनिकुलस ऑर्किड्स हेरिशियम इसमें एपोस्पोरी होती है। उसके बाद स्टूडेंट ऐसे ही एक डिप्लोस्पोरी होता है, ये भी गैमेटोफिटिक का टाइप है। डिप्लोस्पोरी में एम्ब्रियो सेक मेगास्पोर से डेवलप होता है जो कि हैप्लॉइड होता है और जनरली ये डिप्लॉइड होते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ये फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले एपोमिक्सिस है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सप्रेस होता है या एबसेंट होता है। इसमें एपोमिक्सिस के दो टाइप हमने डिस्कस करे, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। एडवेंटिशियस में डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से डेवलप होगा और गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में दूसरे सेल से डेवलप होगा लेकिन इनसे डेवलप नहीं होगा आपका जो वेजिटेटिव सेल्स हैं। और उसके बाद गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में हमने दो टाइप डिस्कस करे, एक एपोस्पोरी और दूसरा डिप्लोस्पोरी। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये बेसिक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। आपको बताना है कि इन चार क्रॉप में से ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन सा है। ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी भी राई है लेकिन स्पेलिंग में देखो डिफरेंस है, एक आर वाई ई वाला राई है और एक आर आई ए वाला राई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एप्रिकॉट, ऑप्शन डी है एवोकाडो। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये एनियोप्लॉइडी का टाइप है जहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या फिर मिसिंग होता है। हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, हाइपो नाम से ही पता चल रहा है कि कम होगा कुछ और हाइपरप्लॉइडी मतलब कुछ ज्यादा होगा। तो हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी 2n-1 होता है, नलिसोमी 2n-2 होता है, डबल मोनोसोमी 2n-1-1 होता है। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी सॉरी, तो ट्राइसोमी में 2n+1, टेट्रासोमी में 2n+2 और डबल ट्राइसोमी में 2n+1+1। प्लीज स्टूडेंट्स को ध्यान रखना, आपसे मैंने ऑप्शन में मोनोसोमी पूछा था तो मोनोसोमी 2n-1 है। अरे हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन तो कुछ और ही था, आपसे मैंने ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स पूछा था तो जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन 5-30% होता है उसको ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जैसे ज्वार है, कॉटन है, ब्रॉडबीन, जूट, टबैको, पिजन पी और अरहर, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। आर ए राई, राई का मतलब होता है ऑयल सीड, ब्रेसिका जुनसिया, और एक होता है आर वाई ई राई, उसका मतलब होता है सिकेल सेरियल जिससे टिटिकेल बनाते हैं वीट और राई को क्रॉस करके, तो वो आर वाई ई वाला राई होता है, ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वेराइटी येल्लो सरसों, ये आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है। तोरिया ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, सेफ्लावर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है और टिटिकेल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन था एवोकाडो, अभी देखो एवोकाडो जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा आपका एवोकाडो को बटरफ्रूट भी बोलते हैं, पर्शिया अमेरिकाना इसका नाम होता है, लॉरेसी फैमिली में आता है, ये ध्यान रखना। मैंगो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैंगो में हाउसफ्लाई कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद बाकी तो आपको पता ही होगा, सिट्रस सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, पीच, एप्रिकॉट, नेक्टराइन, ये सारे सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस पॉलिनेटेड वेजिटेबल आप ध्यान रखना, जैसे आपका कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, पम्पकिन, रेडिश, टर्निप, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए। और बाकी मेज जो होता है ये आपका क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये आपको पता होगा। और आर वाई ई राई वाला जो होता है सिकेल सीरियल, ये एक सीरियल है, और आर ए आई वाला ऑयल सीड है, प्लीज इसमें कन्फ्यूज मत करना, तो ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, प्लीज इसको ध्यान रखना आप लोग। और स्टूडेंट कुछ सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल भी ध्यान रखना, जैसे टमाटो, ओकरा, ब्रिंजल, चिलीज और पटेटो, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर छोड़ भी दोगे चलो चलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स पटेटो में दो चीजें ध्यान रखना, एक है सीड प्लॉट टेक्निक जो पुष्कर नाथ ने दी है, और एक है ट्रू पटेटो सीड TPS, ये जो रामानुजन ने दिया है, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तो डिस्कस हो ही चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, परसेंटेज ऑफ रीडली अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल। आपको बताना है कि कितना परसेंट पोटेशियम सॉइल में रीडली अवेलेबल होता है। ऑप्शन ए 90-98%, ऑप्शन बी 1-2%, ऑप्शन सी 0.1-0.2%, ऑप्शन डी 1-10%। तो स्टूडेंट क्या राइट आंसर होगा इसका,
स्टूडेंट ने ध्यान रख लेना, बहुत पूछा जाता है इसको, प्लीज ध्यान रख लेना। स्ट्रक्चरल पोटेशियम इन सॉइल 90-98% होता है, एक्सचेंजेबल पोटेशियम इन सॉइल 1-2% होता है, नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम इन सॉइल 1-10% होता है, और रीडली अवेलेबल वाला सबसे कम होता है 0.1-0.2%। प्लीज इसे ध्यान रखना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अल्का नीलकंठ इज अ वेराइटी ऑफ, अल्का नीलकंठ किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन बी कैबेज, ऑप्शन सी वाटरमेलन, ऑप्शन डी लेडी फिंगर। तो स्टूडेंट ये एक नीलकंठ, वैसे तो आप नाम से ही गैस कर लोगे, ऑफ कोर्स ये ब्रिंजल की वेराइटी है। ब्रिंजल में कुछ और वेराइटी ध्यान रखना जो आसान है ध्यान रखना, जैसे भैरव है, ब्लैक ब्यूटी है, पूसा भैरव है वेराइटी का नाम, और अर्का केशव और पूसा क्रांति, ये ध्यान रख लेना स्टूडेंट। और जो प्रभनी क्रांति है ये ओकरा की है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट कुछ कैरेट की इंपॉर्टेंट वेराइटीज आपको ध्यान रखनी है, पूसा केसर, पूसा मेघाली बहुत पूछी जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये वेराइटी ध्यान रख लेना, अर्कल, सिल्विया और हरभजन, ये पी की वेराइटीज हैं। उसके बाद वाटरमेलन था ऑप्शन में, वाटरमेलन आपको सीडलेस वेराइटी ध्यान रखनी है, पूसा बेदाना बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर बेबी और अर्का ज्योति भी इंपॉर्टेंट है वाटरमेलन में, लेकिन पूसा बेदाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट कैबेज की वेराइटीज में से क्वेश्चन आता है, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकड़, ये सारी आपकी कैबेज की वेराइटी है, ये ध्यान रख लेना। कॉलीफ्लावर की वेराइटी भी ध्यान होनी चाहिए, पूसा क्रांति, पूसा शरद, पूसा हिमज्योति और ये कनवड़ी, ये सारी आपकी कॉलीफ्लावर की वेराइटी है। स्टूडेंट जितनी रेड रेड वाली वेराइटी है सारी अनियन की होती है, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड और एक अर्का प्रगति, अगर याद नहीं भी करोगे चल जाएगा क्योंकि इतनी सारी वेरायटी याद होने चाहिए आपको। उसके बाद रेडिश का ध्यान रखना, देखो रेडिश जो होता है व्हाइट कलर का होता है, तो जापानीज व्हाइट, स्कारलेट ग्लो, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, पूसा चेतकी, अर्का निशांत, ये ध्यान रख लेना स्टूडेंट, रेडिश की वेरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट ये इस बार पन्नागर 2019 में आया था, पूसा संयोग और जापानीज लॉन्ग ग्रीन, ये आपकी कुकुम्बर की वेरायटी है, प्लीज इसको ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट काउपी की वेराइटीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे पूसा ऋतुराज, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, ये सारी आपकी काउपी की वेराइटी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट ग्लेडियोलस, क्योंकि फ्लावर क्रॉप है, उसकी भी कुछ वेराइटी देख लेना, जैसे सुचित्रा, फ्रेंडशिप और प्रियदर्शनी। उसके बाद स्टूडेंट एक पार्कर वेराइटी है टमाटो में, ये फ्रूट पोर रेजिस्टेंस है इसमें, और टमाटो में पूसा रूबी, पंजाब छुहारा, पूसा गौरव, ये इंपॉर्टेंट है। रोमा टमाटो की अच्छी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हिसार ललित, स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये पूछा गया था अभी बीएचयू 2019 में, ये टमाटो की निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसके बाद राजमा मतलब फ्रेंच बीन की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी, पूसा पार्वती, अर्का कोमल, पंत अनुपमा, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट भगवा और वंडरफुल, ये आपकी पोमग्रेनेट की वैरायटी है। उसके बाद पूसा मेजेस्टी ध्यान रखना, पपाया की निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। स्टूडेंट इतनी वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, बाकी अगर नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जैसे बेहद कोकोनट है, आप गेस नहीं कर सकते किसकी वैरायटी है, तो ये गुआवा की सीडलेस वैरायटी है, क्योंकि कोकोनट है नाम में तो आपको लगेगा कि कोई डेट पाम या कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये गुआवा की वैरायटी है, तो इसलिए ध्यान रख लेना। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, आपको बताना है कि इसमें से टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सा है, स्टेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग। अभी मैंने आपको टाइप ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग का कंसेप्ट बताया था, अगर वो याद होगा तो कर लोगे, अगर वो वीडियो आपको रिवाइज करना है तो ए आइकन पे क्लिक करना, वो वीडियो आ जाएगा। अगर आपका रिवाइज करने का मन नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो कंसेप्ट हैं, टाइप ऑफ फार्मिंग अलग है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग अलग है। टाइप ऑफ फार्मिंग में 5 टाइप हैं, डाइवर्सिफाइड, स्पेशलाइज्ड, मिक्स, ड्राई, रेंचिंग, ये आपके टाइप ऑफ फार्मिंग है। और सिस्टम ऑफ फार्मिंग में इंडिविजुअल और पीजेंट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी फिर बेटर ज्वाइंट, टीनेंट, कलेक्टिव, ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा प्रोग्राम करेक्टली मैच किया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वजलधारा, ये दिसंबर 2002 से मैच करा है। उसके बाद हरियाली 2005, NFWP 1960 और PMGSY 1999, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोग्राम करेक्टली उसके ईयर के साथ मैच किया है। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे टिप्स पे रहने चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया। तो स्टूडेंट एक था स्वजलधारा प्रोग्राम, स्वजलधारा 2002 में आया था, और एक था हरियाली प्रोग्राम, हरियाली 2003 में आया था। अभी ध्यान रखना कि जो हरियाली प्रोग्राम है ये वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए आया है, और जो स्वजलधारा प्रोग्राम है ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए आया है। उसके बाद स्टूडेंट एक ऑप्शन था NFWP, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये नवंबर 2004 में आया है। उसके बाद एक ऑप्शन था, ये इसको ध्यान रख लेना, नरेगा जो है ये 2005 में आया है सितंबर। एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका दिसंबर 2000 में आया है। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दूसरे फेलो बैचमेट्स और जूनियर्स के साथ इसको शेयर करना। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी कंप्लेंट है या कोई भी आंसर में कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे मैसेज करना, और प्लीज अपना स्कोर जरूर कैलकुलेट करना सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। थैंक यू।